Hello students, let's understand this question now. A block of mass M is supported by a cord C from a rigid support and another cord D is attached to the bottom of the block. If D is given a sudden jerk, then D breaks. But if D is pulled steadily, then cord C breaks. Why? So, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं C एंड D. जब D को झटके से पुल करते हैं तो D टूट जाता है, लेकिन जब डी को स्टडीली पुल करते हैं तो सी टूटता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हमको बताना है. तो लेट्स फर्स्टली राइट डाउन द थिंग्स वी हैव बीन गिवन. वी हैव बीन गिवन दैट व्हेन डी इज जर्क्ड वो खुद टूट जाता है एंड व्हेन डी इज पुल्ड स्टडीली C is broken. C breaks. Okay. So ऐसा क्यों हो रहा है ये देख लेते हैं हमारे सोल्यूशन में. देखिए जब D को झटके से पुल करते हैं तो जो भी फोर्स है जो फोर्स आ रहा है D पर उसको बहुत कम टाइम मिल रहा है और ये फोर्स ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है C तक क्योंकि जो ब्लॉक है हमारे पास मास m का वो अपने लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से अपनी रेस्ट पोजीशन पर रहना चाहता है और जो फोर्स है वो c तक ट्रांसफर नहीं हो पाता इसलिए d ही टूट जाता है. तो हम क्या लिखेंगे फोर्स डज नॉट गेट इनफ टाइम टू enough time to reach C as the block will stay at rest due to Newton's law of inertia or due to inertia. अगर सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो फोर्स को टाइम मिल जाता है फोर्स विल गेट द टाइम टू रीच सी इनफ टाइम मिल जाता है सी तक पहुंचने के लिए सो द फोर्स गेट्स अप्लाइड ऑन सी and C breaks. ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं अगर हम हमारा समराइज करना चाहें इस कंडीशन को तो हम कहेंगे when D is jerked there is less time force is not distributed and eventually D breaks and when D is pulled steadily there is enough time force gets distributed evenly therefore C breaks so this was the solution for this thank you